नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इंदौर में 30 मार्च को रंगपंचमी पर निकलने वाली पांच गैर का क्रम अब नहीं बदलेगा, यानी कि 75 साल पुराना रिवाज कायम रहेगा। सभी गैर अपने पुराने क्रम और टाइमिंग से निकलेगी और एक सप्ताह पहले प्रशासन ने बदलाव किया था, लेकिन अब उसे वापस ले लिया गया है। आयोजकों शेखर गिरी, कमलेश खंडेलवाल आदि ने ये बताया कि हमेशा की तरह रंगपंचमी पर टोरी कॉर्नर की गैर सबसे आगे ही रहेगी। वहीं बीजेपी विधायक मालिनी गौण के बेटे एकलव्य सिंह की राधा कृष्ण फाग यात्रा पूर्ववत तीसरे नंबर पर आएगी। बता दें कि बदलाव यह किया जा रहा था कि विधायक के बेटे की फाग यात्रा को सबसे पहले कर दिया गया था। टोरी कॉर्नर को पहले नंबर से पीछे करते हुए दूसरे नंबर पर किया जा रहा था। टोरी कॉर्नर यात्रा आयोजकों ने इस पर ऐतराज भी जताया था और इससे परंपरा टूटने वाली बात भी कही थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने यह बताया कि इस बार रूट पर आने वाले घरों की छतों पर अन्य लोग यानी कि विदेशी समेत बुकिंग करके गैर का आनंद ले सकते हैं। यह प्रयोग भी किया गया है और इसके लिए छत मालिक की सहमति आवश्यक होगी। अभी तक 150 स्थानों को चिन्हित किया गया है। बुकिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे लॉन्च किया जा रहा है। गैर में मुख्यमंत्री मोहन यादव का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार पहले लिए गए फैसले से कुछ गैर आयोजक संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में गुरुवार को दोबारा हुई बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया। टोरी कॉर्नर गैर के आयोजक शेखर गिरी ने परंपरा को यथावत रखने का अनुरोध किया था और कहा कि गैर का जो कार्यक्रम पारंपरिक है उसे नहीं बदला जाना चाहिए। इसके बाद बदलाव का फैसला वापस ले लिया गया है। अब गैर की शुरुआत पहले की तरह टोरी कॉर्नर की गैर से ही होगी। दूसरे नंबर पर मॉरल, तीसरे पर हिंद रक्षक, चौथे पर संगम कॉर्नर और पांचवे पर रसिया की गैर रहेगी। दावा किया गया है कि विधायक गौण के बेटे की संस्था हिंद रक्षक द्वारा निकाली जाने वाली फाग यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव आ सकते हैं। प्रशासन इसी लिहाज से तैयारी कर रहा है और वे करीब 1.5 घंटे रुक सकते हैं। इस दौरान संगम कॉर्नर की गैर में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है जो कि कमलेश खंडेलवाल निकालते हैं। रंगपंचमी की गैर हर साल की तरह सुबह 10 बजे टोरी कॉर्नर से शुरू हो जाएगी और इसे कलेक्टर ने गैर और फाग यात्रा आयोजकों के साथ रूट का निरीक्षण भी किया है। इंदौर प्रशासन ने गैर के दौरान शिकायत करने के लिए नंबर भी जारी कर दिया है। इसके अलावा डायल 100 या फिर क्राइम ब्रांच के व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दे सकते हैं। घटना के वीडियो भी भेज सकते हैं।